एक बार मैं इसरो कमांड सेंटर का भी रुख करना चाहूंगी, और ये हमने जी न्यूज के स्टूडियो में बनाया है जहां पर मेरे सहयोगी राम मौजूद है। और राम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रशांत झा से तो मैं अपडेट ले चुकी हूँ, लेकिन अश्विनी पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ओवर टू यू राम। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें आ रही हैं और जगह जगह जो लोगों का जोश है, उत्साह है, वो ये बता रहा है कि पूरी तरह से लोग जुड़े हुए हैं। और जैसे ही वो इसरो की तरफ से लाइव किया जाएगा, जैसे ही वो लाइव कवरेज शुरू होगी, फिर देखिएगा शोभना कि किस तरह से पूरा देश कनेक्ट होता है, या ये कहिए कि पूरी दुनिया कनेक्ट होती है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब जब इस तरह के मौके आए हैं, पूरा देश एक साथ चला है। और ये भी लोगों की जो दिलचस्पी है स्पेस पे, भाभा साहब हमारे साथ हैं, वो इसको बेहतर तरह से जानते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में लोग कौतूहल की दृष्टि से देखते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और कैसे होगा, कितनी गैलेक्सी हैं, कितने बड़े बड़े ग्रह हैं, वहां तक हम पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा, चंद्रमा के जब हम साउथ पोल पे चलेंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल पे पहले जा चुके हैं, तो नॉर्थ पोल से जो हमें मिला साउथ पोल, उससे कितना भिन्न है। ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में हैं और उनका जवाब देने में सक्षम हैं इसरो और इसरो के वैज्ञानिक। इसी तरह का कमांड सेंटर उनका भी है, जैसा चंद्रयान कमांड सेंटर इस वक्त आप हमारे पीछे देख रहे हैं। ये एक आभासी दुनिया है, रियल कमांड सेंटर में प्रणय उपाध्याय है, वहां से वो हर एक चीज का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये जरा देखिए, जिन तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे थे, अभी तो सफलता मिलना बाकी है, अभी हम वहीं पर पहुंचे हैं जितना हम पिछली बार दूरी कवर कर चुके थे, और इसके बाद कुछ ही मिनट के अंदर हमारा संपर्क टूट गया था, लेकिन उससे पहले लोग उत्साहित हैं। और ये भरोसा है अपने वैज्ञानिकों के ऊपर, ये विश्वास है अपने वैज्ञानिकों के ऊपर कि कैसे ये पूरा का पूरा जो मिशन है उसको सफलतापूर्वक हमारे वैज्ञानिक अंजाम तक पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम है। और मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ में छात्रों के साथ वो मौजूद हैं और उन्होंने छात्रों से बातचीत की है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे छात्र क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुननी जरूरी है। इस वक्त हम लखनऊ के एक निजी स्कूल में मौजूद हैं और तस्वीरें सबसे पहले देख लीजिए। जब शाम को लैंडर जो है वो लैंड हो जाएगा मून पर, तो तिरंगा पूरे दुनिया में लहराएगा, लेकिन उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा दें कि स्कूल में किस तरीके से बच्चे तिरंगा जो है वो लहरा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, भारत माता की जय के यहाँ पे नारे लग रहे हैं, और ये पूरा जो ऑडिटोरियम है, लगभग 1500 बच्चे अपने अभिभावकों के साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है ताकि वहाँ पर वो मौजूद है और ये चल रहा है रहे। और आज सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने शिक्षकों के साथ इसकी पूरी लाइव टेलीकास्ट लैंडिंग देखे, और हाथों में तिरंगा बच्चे लहरा रहे हैं। और लगातार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जी न्यूज पे लगातार यहाँ पर कवरेज चल रही है, जी न्यूज पे लगातार आप देखिए लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, और शाम तक इसी तरीके का माहौल स्कूलों में बना रहेगा। तो तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या जानते हैं चंद्रयान के बारे में। बेटा क्या नाम हो गया? सर मेरा नाम वेदांत सिंह है। चंद्रयान के बारे में क्या जानते हो, क्या आज होने वाला है? सर 6:04 में चलिए भारत माता की जय के नारे सबसे पहले हम लगाएंगे। भारत माता की जय के नारे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज परचम किस चीज का लहराएगा? तिरंगे का परचम। चांद पर तिरंगा लहराएगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे, हाथ में तिरंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज जैसे कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का चंद्रयान चांद की सतह को छुएगा। प्रणय उपाध्याय बेंगलुरु में इस समय मौजूद है, पल पल का सबसे पहला अपडेट जी न्यूज पर प्रणय हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रणय बताइए, क्योंकि अब जैसे जैसे समय कम हो रहा है, 1.5 घंटे से भी कम का समय अब बचा हुआ है, मुझे लगता है कि अगर मैं एग्जैक्ट टाइम की बात करूं तो 1:19 का समय बचा हुआ है। धड़कने बहुत तेज हो, 1:22 माफ कीजिए, और मुझे लग रहा है धड़कने जो है वो बहुत तेज है। जब हमारे स्टूडियो में ये हाल है, आपका इसरो सेंटर के बाहर ये हाल है, तो अंदर साइंटिस्ट का क्या हो रहा होगा? बिल्कुल, साइंटिस्ट नजरें गड़ाए बैठे हैं तमाम मॉनिटर्स के ऊपर, जहां पर वो पैरामीटर्स जो हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन 1:22 आपने वक्त बताया शोभना, 1 घंटे में से 22 मिनट हटा दीजिए, अब केवल 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है जब ये प्रोसेस इनिशिएट कर दी जाएगी। यानी 5:43-44 का वो वक्त होगा जब ये प्रोसेस इनिशिएट कर दी जाएगी, यानी ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस जो है वो ऑन हो जाएगा। उसके 2-3 मिनट पहले ही जो है वो मॉनिटर्स उन्हें करने लग जाएंगे, यानी जो मॉनिटरिंग है वो डिस्प्ले होने लग जाएगी, ये बता दिया जाएगा साइंटिस्ट को
कि अब हम कैलकुलेशन शुरू करने जा रहे हैं, आखिरी के दो मिनट जो है उसके अंदर उनके पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा और उसके बाद इनिशिएट किया जब वो करने की प्रोसेस होगी उसके बाद से इसकी ट्रैकिंग धीरे धीरे इसके जब इंजन फायर होंगे या जैसे ये नीचे आएगा उसके जो मॉनिटर है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिस्प्ले होंगे स्क्रीन के ऊपर, आप भी देख सकेंगे, हम देख सकेंगे और जो तमाम देश दुनिया के लोग हैं वो इस पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं और इसरो के नए वैज्ञानिकों की धड़कनें भी जाहिर तौर पर इस समय बढ़ी हुई हैं। हर कोई चाह रहा है, हर किसी की कोशिश है कि कोई कहीं चूक तो नहीं रह गई, अभी भी वक्त है, अभी भी अगर कोई सुधार हो सकता हो तो वो नियंत्रित कर लिया जाए, क्योंकि एक बार ये ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस शुरू हो गया तो फिर लैंडिंग के वक्त तक का इंतजार करना होगा, वो 20-22 मिनट का जो वक्त होगा वो सबसे क्रूशल होगा और इसके अंदर भी जो पिछली बार भी हमने देखा था 10-11 मिनट का जो रफ ब्रेकिंग फेज था वो बिल्कुल फाइनली पूरा हो गया था। भारत उस पड़ाव तक पहले भी पहुंच चुका है, आज से करीब करीब 4 साल पहले 2019 के अंदर वहां पहुंचा था। प्रणय, इस समय मुझे रोकना होगा मेरे पास वक्त इतना ही है क्योंकि कमर्शियल ब्रेक का इस समय वक्त हो रहा है और ये छोटा सा ब्रेक, बहुत छोटा सा ये ब्रेक है, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, तमाम हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद है, हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल भी जुड़ेगा, सचिन भामा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है जैसा कि प्रणय बता रहे हैं लगभग 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। राम भी आपको दिखने लगा है, राम जी न्यूज कमांड सेंटर में, तो पल पल का सबसे पहला अपडेट में और राम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। Z News.